हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप तुसी सारे ठीक होवोगे। सो आप आ गए हैं अज नवी वीडियो दे नाल। इस वीडियो विच आप गल करांगे साइप्रस विच लाइसेंस किवें बनवाइए। सो मैं शुरू तो लैके लास्ट तक सारा ही प्रोसैस दसूँगा। वीडियो नू लास्ट तक जरूर देखियो। जे तुसी चैनल ते नवे आ ते चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलियो। इन फ्यूचर साइप्रस दे रिलेटड होर भी वीडियो होगियां जिहड़ियां बहुत ही इनफॉर्मेटिव होगियां। सो चैनल सबसक्राइब कर लियो तो बैल नोटिफिकेशन ऑन कर लियो। सो आज दी वीडियो आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी तो। सो पहले तो आप जो आप साइप्रस आ जाने आप पिंक स्लिप मिलती है घट तो घट 6 महीने बाद। आप एजेंट कह देंगे आप भावें स्टूडेंट वीजे पर आने भावें आप आने वर्क परमिट पर। आप कह देंगे कि तुम 3 महीने बाद पिंक स्लिप मिल जू, बट इदा नहीं गा है। इतने 6 महीने लग जाते पिंक स्लिप मिलने। सो जदों अपनी पिंक स्लिप आऊगी 6 महीने का टाइम होंदा वा। लाइसेंस जो आप अप्लाई करना वा उहदे भी यही होंदा कि अपना जिहड़ा पिंक स्लिप है ना वह 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। पिंक स्लिप एक रेजिडेंस परमिट होंदा वा, जिदा कह लो इदा ही लाइसेंस वर्गा बनया होंदा वा, कार्ड होंदा अपने इधर लीगल रहन दा उस प्रूफ होंदा वा। सो वह होना जरूरी है 6 मंथ्स ओल्ड। सो पहले तो आप चाहिए वा 6 महीने पुरानी पिंक स्लिप, फिर पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये तो खर्चा होता वा सिर्फ घट मिनीम जाने कि 20 यूरो फीस होंगी है जी उतो डॉकूमेंटेन की, फिर ड्राइविंग टैसट की फीस होंगी है। आप जी सारे गल करिए 80 तो 100 के बीच अपना लाइसेंस बन जाता जो नॉर्मल इलेक्ट स्कूटरी वगैरह का। आप है ना लाइसेंस बना इधर स्कूटरी जिदा मतूरा कहेंगे, जे आप वाला लाइसेंस बना नॉर्मली वह बन जाता जिन्होंने आप लर्निंग लाइसेंस भी कह दें। सो लर्निंग लाइसेंस 80 तो 100 यूरो के इधर बन जाता। तो जोड़ा वो लाइसेंस वैलिड हों वा 1 ईयर के लिए वैलिड हों वा जो लर्निंग लाइसेंस आ। 1 ईयर तो बाद आप वड्डा लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं जिवें कार ट्रक वगैरह कुछ भी चलाना वा। वड्डा लाइसेंस जो आप अप्लाई करना वा उहदे लई अपना खर्चा आता वा 700 तो 800 यूरो। सो ये तो गल होगी खर्चे की। जे आप डॉकूमेंटेशन की गल करिए, तुहानूं मैं दस्सिया 6 मंथ्स ओल्ड जी आप पिंक स्लिप चाहिए है जिन्हों आप पिंक कार्ड भी कह दें। इस तो इलावा अपना पासपोर्ट जी अपनी हैल्थ इंश्योरेंस जाती अपनी पे होंगी उहदा प्रूफ चाहिए वा, पासपोर्ट सही फोटो चाहिए आ। ठीक, जो आप अपना ड्राइविंग टैसट क्लीयर कर लिया आप 1 तो 2 दिन के जाने की टाइमिंग होंगे वा, 2 तो 3 दिन भी लग जाते हैं इन्ने दिन के अपना लाइसेंस मिल जाता वा। ठीक है, 1 साल का टाइम होंगे वा जिदा अपने इंडिया में होंगे वा 6 महीने का टाइम होंगे। आप 6 महीने बाद आप वड्डा लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उदा ही इधर भी जाने कि 1 साल का टाइम होंगे वा, जो 1 साल के आप जो मर्जी अपना वड्डा लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जे आप अपना छोटा लाइसेंस रखना, फॉर एग्जाम्पल आप जे मान लो कि अपना आप सिर्फ स्कूटरी वगैरह ही ड्राइव करनी है, आप कार वाला वड्डा लाइसेंस नहीं बनवाना। सो जे आप उ रखना वा तो 1 ईयर आफ्टर आप रीन्यू करवा सकते हैं। जो अपना लाइसेंस रीन्यू हो गया सेम फिर इन्ना खर्चा नहीं होंदा, रीन्यू होने सिर्फ 1/2 घंटे के रीन्यू कर देंगे अपना लाइसेंस। सो जे आप उ लाइसेंस रखना जिदा मान लो आप नॉर्मल आप कि काम करते हैं भावें आप वर्क परमिट से हाँ भावें स्टूडेंट से आप आन जाने वास्ते आप व्हीकल लेना वा, तो सो आप कोई लोड़ नहीं हैगी कार वगैरह की ना आप अपने कार हैगी, आप नॉर्मली सारा कुछ रखना वा। सो अपने लिए परफेक्ट यही है कि आप सिर्फ अपना सिंपल लाइसेंस रखिए, 1 ईयर आफ्टर आप रीन्यू करवा सकते हैं। सो जे आप जे वड्डा अप्लाई करना वा तो 6 मंथ्स का टाइम होंगे वा, 6 मंथ्स के आप जो मर्जी 6 मंथ्स नहीं जाने कि 1 ईयर का टाइम होंगे वा, 1 ईयर के आप जो मर्जी अप्लाई कर सकते अपना वड्डा लाइसेंस जिहड़ा आप कह दें अपने व्हीकल का, 4 टायर कार का, किसी भी व्हीकल का आप लाइसेंस बनवाना 1 ईयर के अंदर अंदर आप जो मर्जी बनवा सकते हैं। कहने का मतलब यही सीगा कि 1 ईयर की वैलिडिटी होंगी है। जिमें आप जो आप नॉर्मल लाइसेंस बना लें अपनी एक्टिवा कही जाने स्कूटरी वगैरह का बना लें, वो आप जिदा डिलवरी की जॉब कर सकते जिदा स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट भी होंगे वर्क परमिट वाले। चलो वर्क परमिट वाले तो वर्क परमिट हों वो उत्थे काम करते, बट स्टूडेंट जिदा डिफरेंट जॉब्स करते हैं। सो कई डिलवरी वाली जॉब्स है वा जो कर सकते हैं, जिमें फूडी बोल्ट उन्होंने लाइसेंस दे बहुत ही इंपोर्टेंट आ। सो वो जॉब कर सकते जेडे नॉर्मल लाइसेंस के। जे थानू वीडियो वधिया लगे तो वीडियो नू लाइक कमेंट ते शेयर करना ना भुलियो, ते चैनल सबसक्राइब जरूर करियो। तो तुसी मैनू मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ते फॉलो कर सकते हैं, पंकुश मेहता नाम ते मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਨ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ